खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां प्रदेश में शासकीय नौकरी के लिए भर्ती ना होने के चलते बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हालत ये है कि LIC एजेंट निजी कंपनियों में काम करने के लिए बेरोजगारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। प्रशासन द्वारा रीवा TRS कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहाँ इंश्योरेंस, फ्लिपकार्ट, सुजुकी, कृषि प्रोडक्ट उत्पादन जैसे अन्य कंपनियों के स्टॉल लगाए गए, जहां बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने का दावा किया गया। हालांकि इस तरह के कई बार रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, लेकिन दूर दराज की कंपनियों में बेरोजगारों को चयनित कर ले जाया जाता है और उनका शोषण होता है, जिसके चलते बेरोजगार वापस चले आते हैं। हालांकि उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि कंपनियों की नियुक्ति लेटर देने की बात कही गई है। आइए सुनते हैं किन कंपनियों के द्वारा नौकरियां दी गई हैं और किस योग्यता के उम्मीदवारों का चयन हुआ है, इसके संबंध में उप संचालक ने जानकारी दी है। आज ये मध्य प्रदेश शासन की जाप पेड़ योजना अंतर्गत आज इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 500 लड़के अभी अपना पंजीयन करा चुके हैं, जो रोजगार के इच्छुक आवेदक हैं। अभी तक 13 कंपनी इसमें उपस्थित हुई है। इन 13 में एक मारुति सुजुकी गुड़गांव की है, जो टेक्निकल ले रही है। वर्क टुगेदर कंपनी है, जो कि फ्लिपकार्ट, फार्मा, आइसर बगड़ के लिए चयन कर रही है। इसी तरह पर्यावरण संस्थान है, जो कि जाकी मिंडा गुजरात के लिए कर रही है। और इंश्योरेंस सेक्टर की भी 3 कंपनी है, जिसमें बजाज आलियंस है, भारतीय एक्सा है, लाइफ इंश्योरेंस है, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कोई जाना चाहते हैं तो उसके लिए है। और एग्रीकल्चर फील्ड की भी एक कंपनी है, प्रगतिशील एग्रोटेक, जो मार्केटिंग के लिए मैंने हायर कर रही हैं। तो अभी तक लगभग 200 लोगों का जो है चयनित आवेदक किए जा चुके हैं। इसमें लेटर ऑफ इंटेंट ये दिया गया है कि जो भी बच्चा जाना चाहते हैं, जो आप चयन करते हैं, उनको लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किया जाए। तभी एजाकी मिंडा गुजरात के एक वेल्डर और फिटर के लिए 2 बच्चों को अभी कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ आकर के खुद प्रदाय किए हैं। इसी तरह से लोकल इस बार प्रयास किया गया है, कुछ बाहर की कंपनी है, कुछ लोकल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं वो लोकल में रहना चाहते हैं, रीवा में ही आसपास करना चाहते हैं। तो इस तरह दोनों प्रयास किया गया है कि जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए और जो लोकल रह रहे हैं। बेसिकली इसमें 8वीं से लेकर के ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा तक के शैक्षणिक योग्यता के लोगों के लिए ये रोजगार मेला रखा गया है। नाम बता दीजिए। अनिल कुमार दुबे, उप संचालक रोजगार। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट, और हम आ रहे हैं आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम ए गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.